हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स विन टीम इलेवन में। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में हम थाईलैंड वर्सेस बांग्लादेश के वुमेन्स एशिया कप मैच की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों ही टीमें लास्ट मैच जीत के आ रही हैं और दोनों ही टीमों में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो हम सबसे पहले की प्लेयर देख लेते हैं थाईलैंड के जो की प्लेयर रहने वाले हैं वो नेताकन चांतम न्यूरोमल चाइवाई, और इनके जो कैप्टन हैं और ऑलराउंडर भी हैं टिपोज और बोस्थाम। और इनके बॉलर्स की बात करें जो की बॉलर्स हैं तो पडुनेक ग्लेड है और लिंग प्रेस्टेट है। ये इन बॉलर जो की प्लेयर हैं इनके आगे मैंने डबल स्टार लगाया हुआ है और ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की टीम अच्छे फॉर्म में है। लास्ट मैच में उन्होंने पाकिस्तान को हराया और अब इंडिया को हराया। तो इनके विकेट कीपर की बात करें तो शमीमा सुल्ताना बहुत अच्छी फॉर्म में है। आपको कोशिश करनी है कि आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो कम से कम 5 टीमों में शमीमा सुल्ताना को ज़रूर रखें, और एक टीम में आप इसको इनको कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। इनके दूसरे की प्लेयर हैं निगार सुल्ताना बहुत ही कमिटमेंट वाली प्लेयर हैं और प्रोमिसिंग प्लेयर हैं। लास्ट मैच में वो जल्दी आउट हुई थी, लेकिन आप इनको कप्तान बनाइए, ये इस मैच में चल सकती हैं। और थाईलैंड को यदि पहले बैटिंग बांग्लादेश की आएगी तो बांग्लादेश काफ़ी अच्छा स्कोर करेगा। फरगाना होक, इन्होंने भी इस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था जो लास्ट मैच था, और ये भी एक अच्छी प्लेयर है। इनके अलावा बात करें तो रुमाना अहमद, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, रन भी बनाए थे 40 के आसपास और विकेट भी 3-4 लिए थे, तो इनको भी आपको टीम में रखना है। फहीमा खातून जो दूसरी ऑलराउंडर हैं। इनके बॉलर्स की बात करें तो इनके 4 में से 3 बॉलर बहुत अच्छे हैं, तुल कुबरा, नाहिदा अख्तर और सलमा खातून। आप इनमें से यदि बाहर रखना चाहते हैं तो सलमा खातून को यदि बाहर रख सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों बॉलर्स को तो आपको मैच में लेना ही लेना है। यदि कैप्टन की बात करें तो हमें कैप्टन किनको बनाना चाहिए, तो जो इन्होंने डबल स्टार वाले प्लेयर हैं इनको हम कैप्टन बना सकते हैं। निगार सुल्ताना को हम कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, फरगाना हक को हम ट्राई कर सकते हैं, रुमाना अहमद जिन्होंने लास्ट मैच में ऐसा प्रदर्शन किया था उनको भी दोबारा कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं और सेकंड डाउन बैटिंग करने आ जाती हैं और बॉलिंग भी पूरे 4 ओवर कराती हैं। खादिजा तुल कुबरा, यदि पहले बैटिंग आती है थाईलैंड की तो इनके बॉलर्स भी डोमिनेट कर सकते हैं और उन बैटिंग के लिए बाद में कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, थाईलैंड 70-80 रन पर आउट हो जाना है। जो टीम बनाई है उसका प्रीव्यू देख लेते हैं। मैंने जो टीम बनाई है उसमें 7 प्लेयर बांग्लादेश के रखे हैं और 4 प्लेयर थाईलैंड के रखे हैं। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप 6 या 7 प्लेयर बांग्लादेश के रखें और 4-5 से ज़्यादा प्लेयर नहीं रखें थाईलैंड के। थाईलैंड के जो 6 प्लेयर मैंने जो स्टार प्लेयर बताए हैं, की प्लेयर हैं, वो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और उन प्लेयर में से ही 4 प्लेयर आपको लेने हैं। यदि इनकी बैटिंग की बात करूं तो एन चाईवाई बहुत अच्छी बैट्समैन है। जब पिछले 3 मैचों की इनकी बात करें तो चाईवाई ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं अभी तक। इनके जो ऑलराउंडर हैं कप्तान भी हैं एस टिपोज, वो भी अच्छे कमिटमेंट वाले प्लेयर हैं, उनको भी मैंने रखा है। इनके बॉलर्स की बात करूं तो मैंने इनके 2 बॉलर रखे हैं, पादुकोणे और लिंग प्रेस्ट, इनको आप टीम में रखा है। बाकी मैंने सुल्ताना को कप्तान बनाया है और आर अहमद को उप कप्तान बनाया है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ग्रैंड लीग की टीम बनाते हैं तो हैक को भी कप्तान बना सकते हैं। एक ऑलराउंडर हैं इनकी खातून, फहीमा खातून, इनको भी आप यदि ग्रैंड लीग की टीम बनाते हैं तो इनको कप्तान बना के देखना। दूसरा, यदि आप कप्तान के लिए चूज करना चाहते हैं थाईलैंड की तरफ से, थाईलैंड की तरफ से इनके बॉलर को ट्राई करना। दोनों ही बॉलर जो मैंने टीम में लिए हैं बहुत अच्छे बॉलर हैं। आप इस टीम में एक चीज़ और कर सकते हो, इनको हटा सकते हो यहाँ से, या आर पादुकोणे जो हैं इनको हटा के और यहाँ पे एक बैट्समैन डाल सकते हो थाईलैंड का, या आप दूसरी टीम में कर सकते हो। ठीक है, ये जो भी डिटेल हैं ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच।